किरचॉफ लॉ एंड स्टार डेल्टा मेथड। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिमेट्रिकल फिगर्स आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। कई बार एनसीईआरटी के आप क्वेश्चंस के अंदर भी देख पाएंगे, पर अदरवाइज ये एक सिमेट्रिकल फिगर्स के क्वेश्चंस को अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है एक्स और वाई के बीच में। अब प्रॉब्लम क्या है, एक्स और वाई के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो ना तो आपको इसमें कोई सीरीज में दिखेगा, ना ही कोई इसमें पैरेलल में दिखेगा। तो इस केस में पहला मेथड किरचॉफ लॉ का मेथड है। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली आप यहां से आई करंट भेजो, आई करंट में से कुछ करंट मान लो इधर चला गया आई वन, और बचा हुआ करंट इधर चला गया कितना, आई माइनस आई वन। ठीक हो गया, यहां से आया आई माइनस आई वन, इसमें से चला गया आई टू, बचा कितना आई माइनस आई वन माइनस आई टू, वो इधर चला गया। इधर आया आई टू, इधर आया आई वन, जंक्शन पे मिले और फिर स्प्लिट हो गया। तो मान लो इधर से आई टू आया तो आई टू, इधर से आई वन आया तो आई वन, इधर से अगर आई टू आ रहा है, ये दोनों मिल गए और आई टू कैंसिल तो आई माइनस आई वन, आई वन आई वन कैंसिल, तो यहां पर नेट करंट जो आया था आई और बाहर भी कितना निकल गया आई, इसका मतलब मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। लेकिन एक स्टूडेंट बोलता है कि देखो आपने ऐसा किया, इधर आई टू आया इधर आई वन आया, ऐसा भी तो हो सकता था कि इंस्टेड की आई टू इधर जाता आई टू इधर चला गया और आई वन इधर चला गया, तो भी करंट आई ही आएगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है। पर मैंने जान के इसमें आई टू रखा, क्योंकि ये भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं टोटल करंट तो आई प्रोड्यूस कर ही रहा हूं एंड में। इससे एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि ये आई टू और आई टू ये रहा और ये आई वन से आई वन चला गया, इसका मतलब आई वन आई टू यहां पर मिक्स हुए ही नहीं, आई टू बाईपास कर गया इधर और आई वन भी स्ट्रेट निकल गया, इस वायर में ऊपर वाली वायर में गया ही नहीं, तो आई वन नीचे नीचे रह गया आई टू ऊपर ऊपर रह गया। तो फिर जंक्शन का क्या फायदा जब आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, तो मैंने क्या किया इस जंक्शन को हटा दिया, डिटैच कर दिया और थोड़ा सा ऊपर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें भी अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की जाए आई टू ऐसे निकल जाएगा और आई वन इसमें भी ऐसे निकल जाएगा, तो फिर इनको जंक्शन पे लगा के कोई फायदा है ही नहीं, तो मैंने हटा दिया। हटा के मुझे फायदा हो गया, कैसे, अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इनके साथ सीरीज में और इसके साथ आंसर आ गया। पर ये मेथड थोड़ा बड़ा मेथड है। देखो पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन वैसी करो कि सब कुछ सिमेट्री में दिखे, ये आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी, मतलब मेरे जैसा बंदा तो ये करेगा आए यहाँ आई डैश, यहाँ आई माइनस आई डैश, यहाँ आई डबल डैश, कुछ भी, अब क्या पता मैं नया वेरिएबल ले लूँ आई थ्री, तो मैं शायद ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नए क्वेश्चन में कर ही ना पाऊँ जिसमें मैं ये सोच सकूँगा इसको डिटैच कर दो, राइट, सही सोच रहा हूँ, और फिर ऐसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर ये अलग कर सकूँ, ये सोचना नए क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल रहता है। पर हाँ, ये एक मेथड है जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा सॉल्व करके कोई 8R/something जो भी आएगा। अब हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं इसकी जगह 8/7R आ रहा है, मैं इसकी जगह एक और मेथड फॉलो करूंगा। क्या, उस मेथड में पहले ये समझ लो कि अगर रेजिस्टेंस R है, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं R/2 इन सीरीज, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, और जब मैं ये बोलता हूं कि एक सिमेट्रिकल फिगर है तो उस केस में कैसे सिमेट्री है, इमेजिन करो अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं फिगर को, आप चेक करो ये बांट दिया, आप चेक करो ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज है, इसको फोल्ड करोगे एक के ऊपर एक आके डायग्राम करेगा, इसका मतलब क्या है, इस इमेजिनरी लाइन जो रेड कलर की लाइन बिल्कुल बीच में से मैंने पार्टीशन की इसे, उसके अबाउट लेफ्ट और राइट पे ये फिगर सिमेट्रिकल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, चेक कर लो। और शॉर्टकट रूल ये बोलता है कि जहां जहां ये डायग्राम को कट करती हुई जाएगी, कहां कट कर रही है, एक एफ पे कट कर रही है और दूसरा कहां पे कट कर रही है, सी पे कट कर रही है, तो एफ पॉइंट का एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होगा। ये तो छोटी फिगर है, कई बार तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और सिमेट्री में दिखता है, तो एक लाइन जब खींचते हैं तो छः छः पॉइंट आ जाते हैं, उन छः के अबाउट पोटेंशियल क्या रखना है, सेम। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जब ये पोटेंशियल सेम हो गया, तो एक बात बताओ कि जैसे VF और VC तो सेम हो गया,
मान लो एक पॉइंट है डी, और हाँ जो आर रेजिस्टेंस थी आधी इसको दे दी आधी इसको दे दी, सिमेट्री बन गई ना, आर बाई टू इन सीरीज। अब ये ना सोचे हम ये सीरीज में नहीं रहे, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये कोई एक्चुअल में वायर थोड़ी ना है, ये तो इमेजिनेशन में एक लाइन खींच रखी है मैंने। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या किया, एक डी पॉइंट लिया और मैंने डी पॉइंट और एफ पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया कुछ ऐसे, ये देखो ऐसे, और राइट साइड पे भी एग्जैक्टली मैंने क्या किया, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना ये इसके इक्वल है, इधर भी लगा लिया वी डी माइनस, इधर भी लगा लिया वी डी, तो आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्लियर यहां तक? अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये वी डी माइनस वी एफ है, ये वी डी माइनस वी सी है, तो इनका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, इन पैरेलल, क्योंकि ये और ये सेम है तो ऑब्वियसली वी डी माइनस वी एफ भी सेम होगा, वी डी माइनस वी सी भी सेम होगा। ऐसे कर लो, इतना करने की जरूरत क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि एफ का और सी का पोटेंशियल सेम है तो वी डी माइनस वी एफ और वी डी माइनस वी सी भी का पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। सेम स्टोरी इसकी है, वी सी वी ई माइनस वी एफ और वी ई माइनस वी सी भी किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल, क्योंकि इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर ये पैरेलल होंगे, आर बाई टू और आर पैरेलल में कर दें, आर बाई टू और आर पैरेलल में करें तो डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो आर और आर बाई टू पैरेलल में, जो आर बाई टू उसको हटा दिया, यहां से हटा के क्या किया, इसको दे दिया और इसको दे दिया, तो मेरा डायग्राम ऊपर आर बाई टू इसको दे दिया, एक आर बाई टू इसके साथ अटैच कर दिया, ऐसा बन गया। अब ये देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, जो आंसर आएगा आर के साथ इन सीरीज, ये दोनों इन पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा आपस में सीरीज। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो मुझे लगता है कि मेथड टू जो है ना, मेथड वन से तो एटलीस्ट काफी बेटर है, क्योंकि मेथड वन में तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी बड़ी मुश्किल है उस तरीके से। पर हाँ, अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मैं मेथड टू करूँ या वन करूँ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर तो कोई भी कर दो, आपका आंसर सही आना चाहिए। अब जैसे सपोज करो आपको ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन पूरा जो है सिमेट्री में, तो आप सिमेट्री कैसे इसमें डिसाइड करोगे? कोई स्टूडेंट कहता है ये देखो ये सिमेट्री होगी, कोई कहता है नहीं नहीं ये सिमेट्री होगी, फैसला कैसे करोगे सिमेट्री का? ठीक, तो आपने पहली बात तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी भी निकालनी है तो इसके अबाउट सिमेट्री तो लेनी नहीं, ये नहीं लेनी, आपने वर्टिकल सिमेट्री ऐसे लेनी है, ये सिमेट्री लेनी है। नहीं तो ऐसा कर लो, ऊपर वाला जो नेटवर्क है वो ऊपर वाले क्वेश्चन की कॉपी तो है और नीचे वाला क्वेश्चन इसकी कॉपी है। अब अगर मैं ये हटा दूं, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन बना हुआ है, चेक करो ऊपर वाला क्वेश्चन का डायग्राम कैसा था, यही तो था, उसने क्या किया इसको नीचे भी बना दिया, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, राइट, ऐसे ही है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब दो को मिक्स किया हमने मेथड वन में किया गया था, इसको डिटैच कर लो, सिमेट्री है ये, लो ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि हमें याद ही हो चुका कि क्या करना है। आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप एक वर्टिकल लाइन खींचो, आर बाई टू इसके साथ पैरल में, आर बाई टू इसके साथ पैरल में, ऐसी ये आर बाई टू इसके साथ, आर बाई टू इसके, फिर करते रहो सॉल्व। पर मेरे को डिटैच वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैंने डिटैच किया, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरल में सीरीज में, ऐसी इसे सॉल्व करके आपस में सब पैरल में आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो कैसे आपने सोचना है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। बोलो सर, हर बार जिसके अलोंग हमें फाइंड करनी है उससे उसके परपेंडिकुलर कर सकते हैं, राइट? बाकी ना ऐसा है, ये तो दो क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक किस क्वेश्चन में लगती है या कैसे लगेगी ये मेरे को भी मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, किसी में कोई ट्रिक लगती है, किसी में कोई लगती है, किसी में कोई लगती है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। अब जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे क्या होगा, राइट? तो इज इट नेसेसरी कि वो 90 डिग्री पे होना चाहिए या फिर नहीं, ये मेरे को ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ, तो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही होगा, लिमिटेड क्वेश्चन है इसके सिमेट्री के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, दो तीन क्वेश्चन ही आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले हैं, उनमें से दो तो मैंने भी करवा दिए, एक आध और मिल जाएगा आप उसको क्वेश्चन में देखेंगे, राइट? तो बहुत बड़ा नेटवर्क या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आते नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, जो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, पेपर में वो आएगा जो सॉल्व होगा, राइट? तो पेपर में देखेंगे, एक काम करते हैं, देखो एनसीईआरटी में तो आता नहीं,
एनसीईआरटी में तो आता नहीं, खत्म कहानी। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कंपटीशन में मैं आपको पुराने पेपर दे रहा हूँ लेटेस्ट, आप देख लेना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आता होगा तो बना देंगे एक और शीट, पर आज तक जरूरत बनी पड़ी नहीं मेरे को आज तक, और सीरीज और पैरल की शीट बनाने की इतने साल से मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब इससे ऊपर आता नहीं होगा, आता होता मैं कब का इसमें कर। उल्टा मैं तो आपको अगला टॉपिक बोलूँगा, ये वाला टॉपिक तो इस मेथड से करो मत, मतलब मैं तो एक तो होता है कि और करवाऊँ, मैं तो इसमें से भी रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ, बताता हूँ क्योंकि क्यों रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक, बुक्स में कैसे गिवन है, बुक्स में तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और नेटवर्क्स गिवन है, तो वो अब देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे वेरी करता है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, किस में निकालनी है, एक्स और वाई में निकालनी है। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, किस में, एक्स और वाई में निकालनी है, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं ये 7.5 किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एक्स के यहां सीधा लगा देता हूं कितना 15 ओम, और यहां पे कितना कनेक्टेड है 5 ओम, बीच में क्या कनेक्टेड है 5 ओम, इधर से यहां से कितने ओम कनेक्टेड है 15 ओम, क्योंकि ये भी किसमें है सीरीज में, और ये कितने हैं 5 ओम, और ये कितना है वाई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे लगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, कैसे 15/5 इज इक्वल टू 5/15, तो मैं बीच की रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, नहीं हटा सकता क्योंकि बैलेंस ही नहीं हुआ, 15/5 इज नॉट इक्वल टू 5/15, बैलेंस ही नहीं हुआ, तो बीच की रेजिस्टेंस हटेगी नहीं, अब निकाल लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसी सेम प्रॉब्लम की थी किसमें, कैपेसिटर में, किरचॉफ लॉ से बड़े से लूप लगा के किया था, पर हमने कहा था प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला याद कर लो, बताओ क्या फॉर्मूला है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बैटरी नहीं कैपेसिटेंस, बोलो 2C1C2+C2C3+C1C3/C1+C2+2C3, हाँ 2C3, हाँ राइट, ऐसा ही था कुछ। कितने लोगों को याद था, याद है 2 को, मतलब अगर पेपर मेंस में या नीट में वो आ जाए तो मतलब होता नहीं, यही हुआ इसका मतलब, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं ना तो कैसे होगा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होगा वो जो रूटीन प्रैक्टिस में चलेगा। तो रजिस्टर लगा रहे हो, फॉर्मूला नोट कर रहे हो कि बंद कर दिए, तो रजिस्टर लगाने चाहिए, ये सब चीज़ें उसी में जाएंगी, नहीं तो शीट में से ना ढूंढ पाओगे आप कभी भी इसको, ठीक है। तो नहीं तो लगाओ किरचॉफ लॉ, और फिर बाहर आके बोलना सेंटर के बाद, यार फिजिक्स का पेपर बड़ा लेंथी था, हुआ नहीं, अखबार वाले कहेंगे हाँ यार बच्चा तो ठीक है, बच्चा तो बच्चा है, लो जी पेपर बहुत लेंथी, ये थोड़ा उसको पता है अखबार वाले को कि भैया पेपर सॉल्व भी नहीं करना आया, ये तो किरचॉफ लगाने बैठ गया, इसको तो लेंथी है, वो पढ़ के नहीं आया, तो इसका फॉर्मूला भी होता है बिल्कुल वैसे ही, इसमें भी ऐसा ही है। आप अगर इसका एक्चुअल मेथड देखो जिसमें जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ठीक, और ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, आप चेक कर लो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर नहीं है, और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किसमें, ए और बी में। तो इसका मेथड नंबर वन, जिसमें कि एक बैटरी कनेक्ट की जाती है और इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मान लो आई करंट आया, आई में से आई वन इधर चला गया, आई टू इधर चला गया, आई वन में से ये आई वन या आई टू, जैसे कैपेसिटेंस में सिमेट्री चलती थी इसमें भी सिमेट्री चलती है, कैसे, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसमें अगर आई वन आया था तो इधर आई वन जाएगा, इधर कैपिटल आर में आई टू है तो इधर कैपिटल आर में आई टू है, ताकि आई वन प्लस आई टू मिलकर क्या हो जाए आई, तो इसमें कितना जाएगा, अगर ये आई वन आ रहा है ये आई टू जा रहा है तो इधर कितना गया आई वन माइनस आई टू, ये दोनों मिलेंगे I2 और ये सब मिलेंगे, I2 कैंसिल तो वापस क्या आएगा I1, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। मेरे कहने का मतलब पहले आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर आप इसमें क्या करो, इमेजिन करो इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आता है X, मान लो आपने पूरे को सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई X, तो ये केस बनते हैं, तो I करंट जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं X में फॉर्मूला लगाऊं ओम लॉ, तो E इज इक्वल टू आई इंटू एक्स,
तो एक मेरे पास ई एम एफ की ये इक्वेशन आएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ए ए बी सी, ए बी सी और ई, ये आउटर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो ए बी सी और ई, इसमें मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, लूप लॉ, आपको नहीं लगाना सिर्फ समझना है। तो ये मैंने एक लूप लॉ लगाया और मेरे पास ये वैल्यू आई, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया, ई, ये दोनों टर्म राइट पे चली गई, तो मेरे पास ये टर्म आ गई और ई किसके इक्वल है, आई टाइम्स एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई, ठीक। फिर मैंने एक और लूप लिया, कौन सा, ए डी ई बी सी ई ए, ए ए डी बी सी ई, ये वाला लूप लिया, इसमें मैंने किरचॉफ लॉ लगाया। मैंने जब किरचॉफ लॉ लगाया तो मेरे पास एक सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ये एक और इक्वेशन आई। फिर ऐसे ही मैंने एक और लूप लिया डी ई बी जी, डी ई बी जी में भी किरचॉफ लॉ लगाया, फिर मैंने आई टू निकाल लिया यहाँ से, फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर टू जो मेरे पास ये थी, इसके अंदर आई टू की वैल्यू यहाँ, क्योंकि आई का मतलब होता है आई वन प्लस आई टू, आई टू की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट की, सॉल्व किया, सॉल्व करके एक्स आया। आप मुझे बताओ अगर ये पेपर में आ जाए तो या तो ये क्वेश्चन होगा या फिर बाकी पेपर होगा, अब फैसला कर लो आपको कौन सा करना है, करने हमें सारे ही हैं, छोड़ा तो जाएगा नहीं। तो एटलीस्ट एक बात तो पक्की है, ये मेथड से हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो कई मेथड होते हैं बताने के लिए कि करेंगे, ये इसलिए बताया कि ये हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। हम क्या करेंगे, पहला तरीका, पहले सबसे आसान तरीका, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू, जैसे कैपेसिटर का किया था, स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर पता है, वैल्यूज को पुट करो, 5 और 15 जो भी थी, आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। पर ये भी कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, कितने फॉर्मूले याद कर लोगे, किरचॉफ लॉ लगा नहीं सकते, फॉर्मूले आप भूल जाओगे, तो ये क्वेश्चन छोड़ा जाएगा नहीं। तो मेथड नंबर वन कंप्लीटली फेल है, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता, सच बताऊं। मैं, मेरे से पूछ लो सर आप बताओ फॉर्मूला सुनाओ, मैं कहूँगा मुझे नहीं आता, बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है फॉर्मूला लिखना कैसे है। ये टेक्निक नंबर वन मैंने आपको बताई, ये हम फॉलो नहीं करेंगे, आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्निक नंबर टू, जो टेक्निक टू है, ये एच सी वर्मा के अंदर काफ़ी यूज़ होती है। एच सी के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं टेक्निक टू से ही सॉल्व कर रखे हैं, जैसे कैपेसिटर के करते थे। तो मैंने इसमें देखा सेम क्वेश्चन है, ये देखो इसमें 10 5 5 10 ले लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही करता है कि आई करंट आया, आई में से आई वन चला गया, बचा कितना आई माइनस आई वन, तो इधर से आई वन में से ये आई वन, देखो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो अगर ये आई वन है तो ये आई वन है, ये आई माइनस आई वन है तो ये आई माइनस आई वन है, तो अगर ये आई वन है, ये आई माइनस आई वन है, तो आई वन माइनस दिस यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब जैसे ऊपर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया, जहां पर मुझे इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस को निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी क्या, एंड पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल करंट आए, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा ए और बी का अपॉन टोटल करंट को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इन एनी केस मुझे क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकाल, ये रेशियो निकालनी, आंसर आ जाएगा। ये रेशियो निकालने के लिए मैंने एक ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया, तो मैंने लिखा कि वी ए वी बी में जाने के लिए एक सी पॉइंट आता है, जैसे कैपेसिटर में दिखाया था, वी ए माइनस वी बी कैन बी रिटर्न एज वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, याद है, वी ए बी निकालने के लिए वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ये देखो करके देख लो, वी सी से वी सी क्या हो गया, कैंसल, आंसर सेम आ गया। अब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी में ओम लॉ लगा दो, यहाँ पर करंट इंटू रेजिस्टेंस ये पुट कर दिया, वी सी माइनस वी बी में ओम लॉ लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। तो सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई। फिर एक काम करो, फिर एक पॉइंट लो ए, एक पॉइंट फिर से लो बी, इस बार रास्ता चुनो ये वाला। अब इस रास्ते में कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं, सी एंड डी, तो बनाओ वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी, करके देख लो, ये देखो वही लिखा। आप इन्हें जब ऐड करोगे वी सी से वी सी, वी डी से वी डी, कैंसिल, तो आंसर सेम आएगा। फिर ओम लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ सर्किट में देख के लगाओ, इसमें लगा के आपका इक्वेशन नंबर टू आएगी।
टू और वन को डिवाइड करो, माइनस करो, ये रेशियो आएगी और यही रेशियो आपकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस। एटलीस्ट बेटर देन मेथड नंबर वन, बट प्रॉब्लम वही लंबा बहुत है, इस मेथड को भी अगर हम लगाएंगे तो शायद हम फंस सकते हैं और आंसर ना आए, तो ये मेथड भी हमारा रूल आउट है, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है यहां तक। अब लास्ट मेथड स्टार डेल्टा मेथड। तो ये जो मेथड है स्टार डेल्टा मेथड जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं इसको हमेशा हर साल बोलता हूं कि ये एक ब्रह्मास्त्र है, एक बार चल गया ना ये अपना काम करके छोड़ेगा, और ये आपको कभी भी आप ये लगा के चलो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, किसी किताब में ये मेथड गिवन नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका था इन बड़े बड़े सर्किट से, तो मैंने भी इसका तोड़ निकाला। ये नॉर्मली आपको मिलेगा स्टार डेल्टा मेथड किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर आप बात करते हो, उनके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उनको ऐसे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क सॉल्व करने को सिखाते हैं, ये उनकी टेक्निक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से, तो वो शॉर्टकट को हम सीखेंगे। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं भी कोई भी अगर आपका कोई ऐसा तीन रेजिस्टेंसेज का एक नेटवर्क बन जाए जो ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, ये आपको 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा, ये पूरा क्वेश्चन पूरा 60 सेकंड के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखा देगा, इतना जबरदस्त मेथड है बिना किरचॉफ लॉ के। तो सीखें फिर, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो वन और टू तो इसलिए कराए कि नहीं करने, अब थ्री इसलिए करा रहा हूँ कि आप देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट मिलेगा नहीं, ये मिलेगा। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। और ये मेथड करके लोगों को बहुत मजा आता है, और जो जो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस हैं वो लोग उससे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तोड़ देगा नेटवर्क को, देखो कैसे तोड़ेगा। तो टॉपिक है स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा मेथड में स्टार और डेल्टा क्या होता है? अगर कोई भी तीन रेजिस्टेंसेस इस फॉर्म में कनेक्टेड है, आर ए आर बी आर सी, ये नेटवर्क है, इसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। तो ये जो डायग्राम बना इसको क्या बोलते हैं? स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट, अगर वही तीन रेजिस्टेंसेस ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्टेड हैं तो इसको बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क। तो ये हो गया स्टार नेटवर्क, ये हो गया डेल्टा नेटवर्क। हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन करेंगे डेल्टा नेटवर्क को किसमें? स्टार नेटवर्क में। तो ये आपका डेल्टा नेटवर्क है, मैं बनाना चाहता हूं इस नेटवर्क को किसे? किसमें? स्टार नेटवर्क में। तो डेल्टा किसमें बनाना है मुझे? स्टार में बनाना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या बनाने का मतलब क्या होता है? बनाने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं इस नेटवर्क से, या मैं यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों नेटवर्क में क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, तब बोला जाएगा ये दोनों नेटवर्क्स इक्विवेलेंट हैं। अब कैसे ये देखो, तो मान लो ये रेजिस्टेंसेस हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि चलो दो पॉइंट लेके दिखाओ, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज। और इसके साथ किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो ए और बी में ये आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मान लो आपने आंसर निकाल लिया और क्या आया, ये दोनों सीरीज में और आर ए बी के साथ पैरेलल में, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, निकल गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सेम चीज इसमें लगाओ, ये पॉइंट ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी में, तो आप ऑब्वियसली करंट अगर गया तो यहां से यहीं आएगा, इस हवा में लटकती हुई वायर में तो करंट जाता नहीं है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी? आर ए प्लस आर बी। अगर मैं बोलूं इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो किसमें? ए और बी में, इस नेटवर्क में ए में एंड बी में, तो ए और बी में ये वायर की रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहां पर करंट सेंड करेंगे तो ए से बी पे जाना चाहिए, इस लूज वायर में करंट नहीं जाता, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी? आर ए प्लस आर बी, राइट। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली ए और बी की, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली ए और बी की, और क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं दोनों को क्या कर लिया? इक्वेट कर लिया, एक इक्वेशन बन गई। फिर एक काम किया, इस बार पॉइंट्स चेंज कर दिए, पॉइंट्स क्या लिए? एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया।
अब बी और सी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी इस नेटवर्क में, ये दोनों किसमें, इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल। और उसी तरीके से अगर बी और सी में यहाँ लूँगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, आर सी प्लस आर बी। तो एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और सी की यहाँ से निकाल दी, एक बार वहाँ से निकाल दी। तो जब हमने बी और सी की यहाँ से निकाली और यहाँ से निकाली, दोनों को इक्वेट कर लिया, सिमिलरली हमने दो पॉइंट्स और लिए सी और ए और आंसर को हमने मैच कर दिया, तीन इक्वेशन आ गई। तीनों को हमने ऐड किया तो नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को, इसको और इसको, चार इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, किसकी, आर ए की, आर बी की और आर सी की। आप कहोगे मतलब ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया इससे जो मेथड टू ही था, नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंड रिजल्ट देखो मैंने क्या निकाला। मैंने एंड रिजल्ट निकाला आर ऑफ ए इज इक्वल टू, डायग्राम में चेक कर लेना, आर सी ए आर ए बी अपॉन आर ए बी बी सी और सी ए। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका भी शॉर्टकट कराता हूँ, देखो कैसे। मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आर ए की, मैंने बताया अगर आपको वैल्यू निकालनी है इसमें आर ए की, तो आप यहाँ पर नेटवर्क में ए पॉइंट ढूंढ लो, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के लेफ्ट और राइट दो रेजिस्टेंसेज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आर सी ए इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आंसर चेक कर लो यही आ रहा है, चेक करो आर बी क्या आ रहा है, चेक करो आर बी, आर बी के लिए बी पॉइंट ढूंढ लिया, बी पॉइंट के लेफ्ट और राइट दो रेजिस्टेंसेज है, चेक करो अपना आंसर यही है, आर ऑफ बी सी इंटू आर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, चेक करो ये आंसर आएगा। अच्छा अगर मैं कहूँ आर ऑफ सी निकालो, आर सी में दिस इंटू दिस अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज, तो ये फॉर्मूला लिखने का स्टाइल है, तो आपको याद करने की कोई फॉर्मूला ज़रूरत है नहीं, प्रूफ आपको आएगा नहीं, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, टेक्निक मैंने सिखा दी। अब सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये काम आएगा कहाँ, राइट। क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास ये टू टू थ्री और फोर पॉइंट फाइव और फाइव, ये पांच रेजिस्टेंसेज हैं और दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इनका, बैलेंस थोड़ी दूर की बात है, तो टू अपॉन टू थ्री अपॉन फोर पॉइंट फाइव बिल्कुल अनबैलेंस्ड ब्रिज है, और मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। आप मुझे एक चीज़ बता दो, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं नॉर्मल पहले दो मेथड से, आधा घंटा भी ले लेंगे ना तो शायद ही निकाल पाएं अभी के अभी, इस टाइम कितने ही आपको लूप देखने पड़ेंगे, कम से कम 15 मिनट तो कहीं नहीं गए। तो इसको दो लाइन में कैसे सॉल्व करना है इसको एक बार चेक करते हैं, राइट। इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, जैसे सपोज जैसे सपोज करो ये मेरे पास x पॉइंट है, ये मेरे पास y पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस कहां पर है, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगी हुई है, राइट। तो मान लो ये 2 ओम है, ये कितना है, ये 2 ओम है, ये कितनी है 3 ओम है, और ये कितनी है 4.5 ओम है, और ये कितनी है 5 ओम है। मेरे को इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की क्या होगी। आपको इसमें डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा का मतलब ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये और ये। आप इस कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उसको तोड़ दो और ट्रायंगल को स्टार बना दो। देखो स्टार कैसे बनता है, स्टार देखने में कैसा होता है, स्टार देखने में ऐसा होता है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे होते ना स्टार, तीन रेजिस्टेंसेस यही एक जंक्शन पे कनेक्टेड है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये स्टार है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें जो डेल्टा है, ये जो इसके अंदर डेल्टा ट्राइंगल है, इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, स्टार में। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको कैसे निकालना है ध्यान से देखना,
ये कहां कनेक्ट होने वाला है, यहां कनेक्ट होगा, ध्यान से, ये यहां से कनेक्शन है। तो यहां से अगर कनेक्शन है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, इसके लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट कौन सी रेजिस्टेंसेस है, 2 एंड 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 3। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर देखो, अगर मान लो मेरे को इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये कहां जाके कनेक्ट होगा, यहां कनेक्ट होगा। तो इसके लेफ्ट और राइट पे क्या दिख रहा है, 2 और 5, तो बोलो क्या बनेगा, 2 5 2 प्लस 5 प्लस 3। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट है, ये कहां कनेक्ट होगा, इस पॉइंट पे। तो इसके लेफ्ट और राइट पे क्या है, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 3। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन में क्या किया, आपने इन तीनों की जगह ये रेड कलर का डायग्राम बना दिया, एक काम करो इसको हटाओ, फिर ये मुझे चाहिए ही नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ, इसे चेक करो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये मैं हटा रहा हूँ, इधर से मुझे ये भी नहीं चाहिए, ब्लैक कलर की वायर ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये देखो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस केस में इन जो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, स्टार बनाया, मैं यहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ, 1 2 और ये लो। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने अपने क्वेश्चन को देखो कैसे किया, मैंने अपना जो ट्राइंगल डेल्टा था उसको क्या बना दिया, स्टार बना दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, ये दोनों इन सीरीज, और जो आंसर आएगा इन और इसके साथ इन, आंसर डन, क्लोज। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने करके दिखाया, देखो ये ट्राइंगल है, ये क्या बना इसमें, स्टार बना, इसकी वैल्यू कैसे निकाली, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5, ये रही। इसकी वैल्यू कैसे निकाली, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, ये रही। इसकी वैल्यू कैसे निकाली, 3 इंटू 5 बाई 2 प्लस 3 प्लस 5, ये रही। इन तीनों वायर्स को हटा दिया, ये पूरे का पूरा यहां, ये कनेक्शन यहां, ये कनेक्शन यहां, ये कनेक्शन यहां, तो आपके पास ये डायग्राम बन गया। देखो 1 1.5 और 0.6, अब ये दोनों इन सीरीज सीरीज और आपस में, आंसर आ गया, सेम आंसर आना है, 2.6। अब पुराना क्वेश्चन जिसमें पता नहीं क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, देख लो, 15 ओम 5 ओम 15 ओम 5 ओम, तो इसको अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, 15 5 5 15, ये डायग्राम बना था, फिर फंस गए इसमें, कोई बात नहीं, ट्राइंगल दिख गया, ट्राइंगल में इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 15 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 15 प्लस 5 प्लस 5, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 15 इंटू 5 बाई 15 प्लस 5 प्लस 5, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 15 प्लस 5। तो इन तीनों का ये डायग्राम बन गया, 3 1 और 3, सॉल्व करो, आंसर इसका भी 25 अपॉन 3 है, जो उस बड़े बड़े दो मेथड किए थे उनका भी 25 बाई 3 ही है कि नहीं, सही मेथड। तो पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।